क्या बोल रहा है इसमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन. इन सॉलिड शेप्स की हमें क्या दे रखे हैं, दो व्यूज दे रखे हैं. हमें क्या करना है, मैच करना है उन सब चीज़ों को, मैच फॉर ईच सॉलिड द क्रॉसपॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. हमें क्या दे रखा है, पहली वाली तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, दो व्यूज़ दे रखे हैं. कौन कौन से, साइड व्यू बता रखा है और टॉप व्यू. हमें इसमें से मैच करना है कि कौन सा फ्रंट व्यू होगा, कौन सा टॉप व्यू होगा, अच्छा कौन सा साइड व्यू होगा, कौन सा टॉप व्यू होगा इन वाली ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, तो चलिए करते हैं. पहला वाला उन्होंने करके दे रखा है पहले से. बॉटल का कौन कौन सा, एक तो ये है, और इसका साइड व्यू कितना हो गया, ये वाला हो गया, और इसका टॉप व्यू कौन सा हो गया, ये वाला हो गया. ठीक है, और एक वेट का साइड व्यू कौन सा हुआ इनमें से, भाई ये वाला तो नहीं होगा ऑब्वियस है, ये थर्मस हो गया, ये भी नहीं होगा, ये कप हो गया. तो बचा कौन सा, एक तो ये हो बचा, तो ये तो हो जाएगा इसका साइड व्यू, और इसका टॉप व्यू कौन सा हो जाएगा, ये वाला. ये मैं इधर से मैच कर रहा था, ये वाला. ठीक है, बाकी ये इरेज कर देती हूँ मैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक फ्लास्क, फ्लास्क का साइड व्यू कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फ्लास्क का साइड व्यू हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, यानी कि ये तो साइड व्यू हो गया, और इसका टॉप व्यू कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला. ठीक है, और ये क्या है, कप एंड सॉजर वाला, कप एंड सॉजर का साइड व्यू कौन सा हुआ, ये वाला, और इसका टॉप व्यू कौन सा हुआ, जिसमें ये दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है ना ऐसे करके गोल, और इसके ऊपर क्या रखा है, कप रखा है, और इसकी यहाँ पर क्या लग रही है, ये साइड में इसकी साइड पकड़ने के लिए जो होती है हैंडल, ये वो, तो ये वाला थर्ड से मैच हो गया. ठीक है, कप एंड सॉजर का भी हो गया, और कंटेनर का साइड व्यू कौन सा है, सेकंड वाला, यानी कि ये वाला. ठीक है, और टॉप व्यू कौन सा होगा इसमें से, ये वाला, बचा ही वैसे भी यही है. ठीक है, ये इसका हो जाएगा टॉप व्यू. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सॉलिड शेप्स के आपको दो व्यूज़ दे रखे थे, साइड व्यू और टॉप व्यू. हमने क्या करा, उन ऑब्जेक्ट से उनको मिला दिया. तो बेसिकली हम क्या देखते हैं इस वाले चैप्टर में, विजुलाइजिंग, मतलब वो किस तरीके से दिखाई देते हैं साइड व्यू में, टॉप व्यू में और फ्रंट व्यू में. इस तरीके से हम इस वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते रहेंगे.